नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि त्रिलोकी की सबसे बड़ी शक्ति कौन है, वो कौन से देवी देवता हैं जो सर्वोत्तम हैं या जो सबसे ऊंचे पद पर आसीन हैं। ये वीडियो आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आता है तो उसके मन में ये बात ज़रूर आती है कि आखिर कौन से देवी देवता सबसे बड़े हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि हनुमान जी गंदी चीज़ों को नहीं काट सकते, तो उनके अनुसार तो फिर हनुमान जी छोटे देवता हो गए। तो इसी तरह के प्रश्न जो हैं हर व्यक्ति के मन में आते हैं कि क्या मैं जिस देवी देवता की पूजा कर रहा हूँ मैं सही डायरेक्शन में हूँ भी या नहीं, या मुझे इस देवी देवता की पूजा को छोड़कर किसी और देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। जब भी ये प्रश्न मन में आ जाता है तो वो व्यक्ति जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहा होता है उसमें उसकी आस्था अपने आप कम होती हुई चली जाती है, और जिस देवी देवता की पूजा करने के बारे में सोच रहा होता है उसकी पूजा भी ठीक से नहीं कर पाता, और ये उसे पता नहीं लगता कि अब मैं क्या करूं। इस प्रश्न का जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक है सुप्रीम लॉर्ड जो सबसे बड़ी शक्ति है। कौन है, कहाँ है, ना किसी ने देखी ना किसी ने जानी। हाँ, जिसने जिस देवी देवता की शक्ति को जितना जाना, चाहे वो ध्यान के माध्यम से जाना, जाप के माध्यम से जाना, या किसी देवी देवता ने उसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन दिए, उन्होंने वो बता दिया। लेकिन वही सुप्रीम लॉर्ड है, वही सबसे ऊपर है, ऐसा कोई नहीं बताता, ना बता पाया। त्रिलोकी की तीन बड़ी शक्तियाँ हुई ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी हुई, कौन बड़ा या कौन छोटा, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि इनमें कौन बड़ा है क्या छोटा है। मैं आपको ये गाइड करूँगा कि आप अपने देवी देवता के माध्यम से कैसे सुप्रीम लॉर्ड की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप ये खोजने निकलेंगे कि सबसे बड़ा कौन है तो इस जाल में फंस के रह जाएंगे कि कौन है और कौन नहीं। आप अगर इतिहास उठाकर देखें तो बहुत से ऐसे भक्त हुए जिन्होंने किसी एक देवी या देवता की पूजा की, और वर्तमान में भविष्य में उन्हें उसी देवी देवता के भक्त के रूप में जाना गया। रावण को शिव भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी की भक्ति के बारे में बात करें तो उन्हें राम दूत राम भक्त बोला जाता है। दुर्गा माता के काली माता के उपासक हुए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को काली माता का उपासक बोला जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि काली माता ही सबसे बड़ी शक्ति हुई जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनकी पूजा करते थे, या रावण शिव भक्तता तो शिव सबसे बड़ी शक्ति हुई। ये जो चीज़ें हैं इनमें जब व्यक्ति फंस जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज इसका जवाब मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको देना चाहूँगा। जो भी भाई बहन इस लाइन में आते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में पूजा पाठ करने लगते हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न और आता है जिसका हमारे वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि अरे मैं पूजा अपनी कुंडली के हिसाब से करूं या अपने इष्ट देव के हिसाब से करूं, या जिस देवी देवता को मैं मानता हूं उसके हिसाब से करूं, या जिसको मेरे घर वाले मानते हैं उसके हिसाब से करूं। कुंडली के हिसाब से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसके उपाय कर सकते हैं अपने ग्रह के। जो ग्रह खराब है, आपको नकारात्मक फल दे रहा है, उसके आप उपाय कर सकते हैं। पूजा आप उसकी करें जिसके प्रति आपका मन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जब आपको कुछ चाहिए या जब आपको कुछ नहीं चाहिए तब भी आप उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। जब आपको कुछ नहीं चाहिए वही आपके इष्टदेव हैं। मूर्ति रखी हुई है शंकर भगवान की, आपके मुँह से हनुमान जी निकल रहा है तो आपके इष्टदेव हनुमान जी हुए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका मैं।
सपने में किसी देवी देवता का नाम निकला, वो आपके इष्ट देव हैं, सुषुम्ना नाड़ी में है वो आपके, तो अब से नहीं है, बहुत पहले से ही उस देवी देवता का स्मरण आपके मन में है, तो वही आपके इष्ट देव हुए। अब सुप्रीम लॉर्ड की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव को सुप्रीम लॉर्ड मानकर पूजा करता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी को अपना इष्ट देव मान रखा है और वो सभी चीज़ों की कामना सिर्फ उन्हीं से करता है, उठते बैठते सिर्फ उन्हीं का नाम स्मरण करता है, उन्हीं के नाम की माला फेरता है, उन्हीं के नाम से जो काम करता है, जो भी उसकी ज़िंदगी में काम आते हैं वो उन्हीं के नाम से अगर करता है, और जब उसके पास कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आता है और वो हनुमान जी से अरदास लगाता है और उस व्यक्ति के काम होते हुए चले जाते हैं, तो हनुमान जी की पूजा उसे सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्ट कर देगी। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सुप्रीम लॉर्ड है या नहीं है, लेकिन एक इष्ट देव कोई भी हो, चाहे वो कोई ग्राम देवता ही क्यों ना हो, नगर देवता ही क्यों ना हो, जब आप उनको सुप्रीम लॉर्ड मानकर पूजा करते हो तो जो त्रिलोकी की सबसे बड़ी शक्ति है जिसे आज तक शायद किसी ने नहीं देखा, वो आपसे कनेक्ट हो जाती है। क्योंकि धर्म बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, और अगर हिंदू या किसी अन्य विशेष धर्म की शक्ति सुप्रीम लॉर्ड है तो फिर सिर्फ एक ही धर्म होना चाहिए था इस पृथ्वी पर ऐसा तो नहीं है। तो आप चाहे किसी भी धर्म में जन्मे व्यक्ति हैं, जब आप अपने एक इष्ट देव को सुप्रीम लॉर्ड मान लेते हो कि हाँ यही है सब कुछ करने वाला, तो आपको सुप्रीम लॉर्ड की प्राप्ति हो जाती है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो एक शक्तिपुंज है, जो एक लाइट के समान है, जिसमें जिसने जाने कितने ब्रह्मांड बना दिए हैं। तो लास्ट में अगर मैं बोलूं तो कोई भी भाई बहन कंफ्यूज ना हो, जिस देवी देवता के प्रति आपका मन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उसकी पूजा करें, उन्हें ही सुप्रीम लॉर्ड माने, उन्हीं से सब कुछ मांगे, और भ्रमित ना हो कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको काली माता की पूजा करनी पड़ेगी तभी आपको सब कुछ मिलेगा। आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करेंगे, लक्ष्मी जी माता आपको समस्त देवी देवताओं की प्राप्ति कराते हुए सुप्रीम लॉर्ड तक ले जाएगी, लेकिन अगर आप समस्त देवी देवताओं में उलझ गए तो ना तो आपको लक्ष्मी माता की प्राप्ति होगी और ना ही किसी अन्य देवता की प्राप्ति हो पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको समझ आए और आप ये समझ पाएँ कि सुप्रीम लॉर्ड की प्राप्ति किस तरीके से करी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।